ब्रिटेन के साउथपोर्ट की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। 3 लड़कियों की हत्या के बाद यहां हिंसा भड़क गई है। सैकड़ों की भीड़ सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन कर रही है। सुरक्षा बलों पर पथराव किया जा रहा है। पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया गया है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे साउथपोर्ट में बवाल मचा हुआ है। आखिर क्यों ब्रिटेन अशांत है? कौन ब्रिटेन की अशांति पर कर रहा है हमला? देखिए इस हमारी रिपोर्ट में। सड़कों पर सैकड़ों लोगों का आक्रोश, सुरक्षा बलों पर पत्थरों से हमला करती भीड़, गाड़ियों में आगजनी, धुएं का गुबार, हंगामे और बवाल की ये तस्वीरें ब्रिटेन के साउथपोर्ट की, जहां सड़कों पर उतरकर सैकड़ों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्से की आग ऐसी है कि सुरक्षा बलों को हालात संभालना मुश्किल हो रहा है। भीड़ बेकाबू नजर आ रही है। प्रदर्शनकारियों को रोकने की सभी कोशिशें नाकाम लग रही हैं। भीड़ के बीच से सुरक्षा बलों पर हमले किए जा रहे हैं, बोतल और पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब सवाल है कि आखिर ब्रिटेन का साउथपोर्ट इतना अशांत कैसे हो गया? क्यों भीड़ इतनी आक्रोशित नजर आ रही है? ब्रिटेन में हिंसा के पीछे की वजह आपको बताएं, उससे पहले इन 3 तस्वीरों के जरिए आप लोगों के गुस्से की आग को देखिए। भीड़ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। सुरक्षा बलों पर गुस्सा फूट रहा है। पुलिस की गाड़ियां फूंक दी जा रही हैं। अब इस आक्रोश की वजह आपको बताते हैं। ये गुस्सा एक डांस क्लास में हुई चाकूबाजी की घटना को लेकर है, जिसमें 3 लड़कियों की जान चली गई जबकि 8 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री स्टार्मर ने इस घटना की निंदा की और मामले में सख्त से सख्त एक्शन लेने की बात कही। बताया जा रहा है कि 3 लड़कियों की हत्या पर शोक जताने के लिए भीड़ इकट्ठा हुई थी, लेकिन कुछ ही देर के बाद ये भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर बोतलें और पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने इस मामले में 17 साल के संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध के पास से चाकू भी बरामद हुआ है। जांच एजेंसियां संदिग्ध से पूछताछ कर रही है, ताकि हार्ट स्ट्रीट पर हुए इस हमले के पीछे के मकसद का पता लगाया जा सके। इस हमले को लोग इसे ब्रिटेन में बढ़ते कट्टरपंथ का परिणाम बता रहे हैं और इस घटना को आतंकवाद से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिर ब्रिटेन में हो रही घटनाओं को कट्टरपंथ से क्यों जोड़ा जा रहा है? ब्रिटेन में जो हो रहा है, क्या उसके पीछे कट्टरपंथी है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रिटेन में कट्टरपंथ का खूनी खंजर, 3 बच्चों की हत्या के पीछे कट्टरपंथी? क्या साउथपोर्ट में चाकूबाजी आतंकी वार था? क्या ब्रिटेन में कट्टरपंथ हावी है? क्या लंदन में उपद्रव के पीछे कट्टरपंथी हैं? इन सवालों का जवाब ढूंढें, उससे पहले इन 2 तस्वीरों का कनेक्शन समझिए। दोनों ही तस्वीरें ब्रिटेन की है। पहली तस्वीर साउथपोर्ट की, जहां एक डांस क्लास में चाकू मारकर 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हंगामा होता है, पुलिस पर हमला किया जाता है। और दूसरी तस्वीर ब्रिटेन में कट्टरपंथ की जड़ों की। एक ब्रिटिश और पाकिस्तानी नागरिक को आतंकी संगठन के संचालन के लिए दोषी पाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अब आपको इस कट्टरपंथ के चेहरे के बारे में बताते हैं। ब्रिटिश और पाकिस्तानी दोहरी नागरिकता वाले कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक का नाम है अंजेम चौधरी। अंजेम चौधरी को नफरती भाषणों के जरिए लोगों को उकसाने और आतंकी संगठन अल मुहाजिरून को चलाने के लिए दोषी पाया गया था। अंजेम चौधरी साल 2014 में अल मुहाजिरून का चीफ बना था। अंजेम का मकसद हिंसक तरीकों से शरिया कानून को पूरी दुनिया में फैलाना है। अल मुहाजिरून को 1 दशक पहले ही ब्रिटेन में बैन कर दिया गया था। इसके बावजूद वो अलग अलग नामों से इस संगठन को चला रहा था। अंजेम चौधरी को 28 साल की सजा सुनाई गई है। ब्रिटेन में कट्टरपंथ की जड़ें किस कदर फैल गई हैं, इसका अंजेम चौधरी बड़ा उदाहरण है। जिस तरह ब्रिटेन में लगातार बेकसूर लोगों पर हमले हो रहे हैं, उसके पीछे ब्रिटेन में कट्टरपंथ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या साउथपोर्ट में चाकूबाजी एक आतंकी वार था? क्या इस वारदात के लिए कट्टरपंथ जिम्मेदार है? मासूम बच्चों को बेरहमी से कत्ल करने वालों का मकसद क्या था? क्या ये एक नफरती वार था? पुलिस इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। ब्रिटेन में कट्टरपंथ किस कदर बैठ कर गया है, पूर्व पीएम ऋषि सुनक भी इसकी तरफ इशारा कर चुके हैं। जब ऋषि सुनक ब्रिटेन के पीएम थे, तब उन्होंने आगाह किया था कि ब्रिटेन की सियासत में कट्टरपंथियों का दखल बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते माहौल जहरीला होता जा रहा है। सुनक ने कहा था कि देश में कुछ लोग आतंकवाद की भी तारीफ कर रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को कुछ कट्टरपंथियों ने हाईजैक कर लिया है।
उधर पाकिस्तानी मूल के लंदन के मेयर सादिक खान पर भी कट्टरपंथी होने का आरोप लग रहा है। हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद ली एंडरसन ने सादिक पर आरोप लगाया था कि वो जिहादियों के कंट्रोल में हैं। इसके पहले लेबर पार्टी ने भी सादिक पर तंज कसा था। ब्रिटेन के पूर्व होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन ने भी सादिक पर आरोप लगाया था कि उनके होते हुए कट्टरपंथियों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ब्रिटेन को लेकर वहां के नेताओं की आशंकाएं अब सच साबित हो रही हैं। क्या ब्रिटेन में अब कट्टरपंथ हावी हो रहा है? हालांकि साउथपोर्ट में हुई चाकूबाजी की घटना को पुलिस आतंकी घटना मानने से इनकार कर रही है। फिलहाल संदिग्ध हमलावर से पूछताछ की जा रही है कि इस वारदात के पीछे असली मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।